नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिखा रहे हैं डेरे के बारे में, आइए एक और महिला से जानते हैं डेरे के बारे में, इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम अनूप मित्तल। कितने टाइम से आ रहे हो? 22 साल से। 22 साल हो गए हैं, कभी आपने ऐसा कुछ देखा जो मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, गलत है एकदम। मीडिया महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है। मैं तो हम तो ये सोचते हैं यहाँ पे हमारी बेटियाँ बहुत सुरक्षित हैं और हम सब भी। मानवता भलाई के क्या क्या काम कराए? 135 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, गरीबों को मकान भी बना के देखते हैं, और जैसे हमें पता लग जाता है वो बाद इंसान भूखा है, राशन भी बांटते हैं तो वहीं पहुँच जाते हैं सब पिताजी के अनुसार। आज समाज को जरूरत है उनकी? हाँ जी। क्यों जरूरत है? अगर पिताजी होंगे यहाँ पे तो फिर ये जो छोटा बच्चे से बड़े तक ड्रग्स और शराब पीते हैं बंद हो जाएंगी। उनके ना होने से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सब नशेड़ी हो रहे, देखो आप सब गंदे काम हो रहे अब समाज में। कभी देश के लिए कुछ किया उन्होंने? हाँ जी, सब कुछ कर दिया हमें। जब यमुना जी की सफाई के लिए खड़े हो गए थे कि हम करेंगे यमुना जी की सफाई, और सारे में सफाई अभियान किया है। ये जो आप कार्य बता रहे हो ये सच में होते हैं? हाँ जी होते, हम भी जाते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील करेंगे कि गुरु जी को जल्दी से जल्दी छोड़े। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट जो हमने सूत्रों के हवाले से आपको दिखाए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। देखते रहे द फैक्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।